हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको तीन इम्पॉर्टेंट अलग अलग चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला, एक स्मॉल अपडेट जो ऑफिसर्स एसोसिएशन की फाइनल मीटिंग चल रही है आईबी के साथ पिछले 2 दिनों से, उसके बारे में। दूसरा, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने 13 अक्टूबर को एक नया सर्कुलर इशू करके स्ट्राइक का कॉल दिया है, उसके बारे में। प्लस एक 9 अक्टूबर का कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का एक लेटर है, वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसने बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई है। सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है तो फ्रेंड्स लास्ट तक एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहला पॉइंट है कि जो ऑफिसर्स एसोसिएशन की मीटिंग 12 अक्टूबर को स्टार्ट हुई, मीटिंग का यही सुनने में आया है कि मीटिंग पॉजिटिव रही, इसलिए मीट पर फाइनल अभी डिसीजन नहीं हो पाए हैं, कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, तो मीटिंग को 13 अक्टूबर तक वो रिज्यूम करनी पड़ेगी, 13 अक्टूबर को दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। 13 को भी मीटिंग हुई, 13 को मीटिंग भी यही आया कि पॉजिटिव नोट पे है, लेकिन अभी फाइनल अभी भी कुछ इश्यूज बाकी हैं, तो मीटिंग 15 अक्टूबर को रिज्यूम की जाएगी। और 15 अक्टूबर को 99% की मीटिंग फाइनल ही रहेगी। इस मीटिंग में आपको क्या पता लग जाएगा कि जैसे ही 15 अक्टूबर की मीटिंग फाइनल होगी, मिनट्स रिलीज होंगे, आपको अपनी नई पे स्केल, जो ऑफिसर्स जो बैंक ऑफिसर्स हैं उनको अपनी नई पे स्केल पता लग जाएगी, यानी जो बेसिक पे है क्या रिवाइज करी, स्पेशल अलाउंस में कितना एलोकेट किया। जितना स्पेशल अलाउंस का परसेंटेज ऑफिसर्स के लिए बढ़ाया जाएगा, उतना ही वर्कमैन यूनियन भी बढ़ाई जाएगी, ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी है। तो जो बैंक वर्कमैन है उनको पता लग जाएगा इस मीटिंग के बाद कि उनका स्पेशल अलाउंस कितना बढ़ रहा है, और जो 15% ओवरऑल है वो किस किस कंपोनेंट में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। प्लस जो एनुअल मेडिकल एड है जैसे, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। 13 अक्टूबर को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये मिला कि जो स्टार्टिंग बेसिक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अपने कैलकुलेशन करने के बाद सजेस्ट करी है, वो 36,000 है। ये फिगर कहीं ना कहीं दैनिक पोर्टल के द्वारा जो बनाई गई थी बेसिक 35,900, जैसा मैंने बहुत पहले ही वीडियो के जरिए बता दिया था कि जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से जो बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की स्टार्टिंग बेसिक 35,900 बनेगी। ये कह रहे हैं कि इन्होंने सजेस्ट किया है 36,000, अगर ये 100 रुपये भी बढ़वा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कि क्योंकि इससे ज़्यादा ये लोग अचीव कर नहीं सकते हैं, तो ये 100 रुपये बढ़ाना भी इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाकी मेरे हिसाब से 35,900 ही बैंक पीओ की स्टार्टिंग बेसिक स्केल 1 की रहने वाली है। फ्रेंड्स, ये बात थी पहले वाले सर्कुलर की, ये जो मीटिंग हुई। अब बात करते हैं, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने 12 अक्टूबर को एक सर्कुलर रिलीज करके एक और बेवकूफ़ी वाला काम क्या किया है। फ्रेंड्स, अलग अलग पर्पज है सर्कुलर इशू करने के लिए, लेकिन बैंकर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वेज रिवीजन। रिटायर्ड लोग जो 20-20 साल पहले रिटायर हो गए, वही बैंक यूनियन चला रहे हैं और बैंकर्स का भविष्य तय कर रहे हैं, उन्हें आज के जो डे टू डे बैंकिंग है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस है, जो कंट्री में तो 10 बड़ी ट्रेड यूनियंस हैं, उनका कॉल आया है स्ट्राइक का, उसको सपोर्ट करने के लिए 26 नवंबर को बैंकर्स की भी एक दिन की सैलरी कटवाना चाहते हैं, और 26 नवंबर 2020 को जो एक स्ट्राइक करने जा रहे हैं, पर्पस है वही गवर्नमेंट की एंटी लेबर पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो प्राइवेटाइजेशन करना जा रहा है अलग अलग तरह से, जो लेबर लॉज को अमेंड करना चाहता है, ये स्ट्राइक जेन्युइन रीजन है, बिल्कुल आपको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आपने अभी तक स्ट्राइक क्यों नहीं करी बैंक वेज रिविजन के लिए, प्रॉपर स्ट्राइक 5 डे वीक के लिए आपने अभी तक क्यों नहीं स्ट्राइक करी, स्पेशल अलाउंस के मर्जर के लिए आपने अभी तक क्यों नहीं स्ट्राइक करी। जो बैंकर्स के लिए, जो आज लाखों बैंकर्स को जो प्रभावित करते हैं, जो मुद्दे पेंशन अपडेशन जैसा मुद्दा है, उसके लिए आपने अभी तक स्ट्राइक का कॉल क्यों नहीं लिया, क्यों सिर्फ लेटर पे लेटर लिखते रहते हैं स्ट्राइक का कॉल ले लिया, लेकिन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस जो है उनके कॉल आने पर आप स्ट्राइक का कॉल लेते हैं, उनको एंडोर्स करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट इन्होंने इशू बताया कि ये स्ट्राइक कर रहे हैं 26 नवंबर को। वेज रिवीजन जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे गोलमोल बात कर दी है कि जल्द से जल्द इस मीटिंग वेज रिवीजन को खत्म करना चाहिए, ताकि कुछ ऐसा लीगल इशू ना आ जाए कि कल को वेज रिवीजन का जो एमओयू साइन हुआ था 22 जुलाई को, कहीं वही खतरे में ना पड़ जाए। इसके ऊपर अभी इन्होंने ऐसे लिखा है कि जल्द से जल्द इसको खत्म करना चाहिए, लेकिन अभी से ही कई बैंक यूनियंस हैं जो लेवी का उन्होंने सर्कुलर निकाल दिया है कि हमको 2% ग्रॉस एरियर पे लेवी चाहिए, 2% हमको लेवी चाहिए। लेवी के सर्कुलर आने अभी से तय हो गए हैं, लेकिन अभी तक बैंकर्स को ये नहीं पता चला है कि वेज रिवीजन फाइनल कितना हुआ है, नई पे स्केल कितनी हुई है। इसके अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसमें अपडेशन ऑफ पेंशन को लेकर इन्होंने ये लिखा है
कि पेंशन अपडेशन भी एक पुराना मुद्दा है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो इन्होंने जोर दिया है कि कम से कम जो पुराने सेटलमेंट्स हुए हैं उनकी तो पेंशन अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप देखिए, इन्होंने 2020, ये साल चल रहा है 2020, और ये लिख रहे हैं कि 1987, 1992 और 1997 जैसे सेटलमेंट्स के टाइम पे जो लोग रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन अपडेशन करने की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आप ये देखिए, 33 सालों बाद 1987 कहाँ और 2020 कहाँ, इतने पुराने, अब जाके ये ऐसे लिख रहे हैं कि कम से कम इनका पेंशन अपडेशन तो इनको, मतलब एक स्पेशली इन पे फोकस किया गया है, तो सिर्फ इन्हीं पे क्यों? क्या 2002, 2007, 2012 वाले जो रिटायरीज हैं उनकी पेंशन अपडेट नहीं होनी चाहिए? इन्होंने भले इस तरह से लिखा हुआ है कि एटसेट्रा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने इन तीन ईयर को लिख के, इन तीन सेटलमेंट्स को लिख के ये इंडिकेट किया है कि कहीं ना कहीं इनका पेंशन अपडेशन तो हम करवा ही लेंगे। ये एक मेरा थॉट है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन इस बात को यहाँ पे लिखना और तीन सालों को अलग से क्लियरली लिखना कि भाई इनकी तो स्पेशली पेंशन अपडेशन की तो ज़रूरत है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। 2020 चल रहा है और अभी भी 1987 वाले अभी तक आप पेंशन अपडेट नहीं करवा पाए हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एक फेलियर रहा है। इस सर्कुलर में सिर्फ यही दो बातें इंपॉर्टेंट थी, स्ट्राइक का कॉल और जो पेंशन अपडेशन को लेके इन्होंने जो सेटलमेंट्स का जिक्र किया है, पुराने 33 साल पुराने सेटलमेंट्स का। ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हो सकता है कि बैंक यूनियन का कहीं ना कहीं फोकस सिर्फ इन्हीं पुराने सेटलमेंट्स के ऊपर है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या पता इनको मिलने वाला है नहीं, जबकि पेंशन फंड के अंदर 2,70,000 करोड़ के आसपास का पैसा रखा है, फिर भी उस फंड को यूज़ नहीं किया जा रहा है, दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन बैंकर्स के पेंशन अपडेट करने के लिए नहीं किया जा रहा। अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर रिट फाइल की गई है, मैटर अभी कोर्ट में है, कई अलग अलग जगह पे मैटर चल रहे हैं, लेकिन अभी भी इतना फोकस, इतना फोर्स ये डाल रहे हैं बैंकर्स जो रिटायरीज हैं, इतना प्रेशर डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी बैंक यूनियंस जो है ये इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर ये सपोर्ट प्रॉपर तरीके से करते तो अभी तक पेंशन अपडेट हो चुकी होती। आपको पता होगा यूनियंस ने अभी से डिमांड करना शुरू कर दिया है कि 2% हमको ग्रॉस एरियर पे लेवी चाहिए। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि ये ग्रॉस एरियर क्या होता है, इसके ऊपर हमको 2% लेवी देनी है, इसका क्या मतलब है? तो उन फ्रेंड्स को मैं बताना चाहूँगा कि आप ये मान के चलिए कि अगर आपको ग्रॉस एरियर मान लीजिए कि 2,00,000 रुपये का मिलता है या जो भी मिलता है, तो उसी के ऊपर आपको लेवी देनी है। आपका जो एरियर है उसमें से टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा, उसमें से NPS का डिडक्शन नहीं किया जाएगा, आपको नेट एरियर पे नहीं लेवी देनी, आपको ग्रॉस एरियर पे देनी है लेवी, ताकि यूनियंस को ज़्यादा से ज़्यादा लेवी मिले। आप मान लीजिए कि अगर आपकी 2,00,000 रुपए की ग्रॉस एरियर बनता है, इसके अंदर वो एक महीने की सैलरी भी इंक्लूड की जाएगी जो आपको पिछले साल दे दी गई थी। इसमें बैंक यूनियन डिमांड कर रही है कि 2% की लेवी, यानी सीधे सीधे कितने रुपये में, 4,000 रुपये की लेवी तो हर बैंकर को लगभग इस हिसाब से देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए 20% या 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आपका 40,000 20% के हिसाब से तो सीधे सीधे टैक्स कट जाएगा, प्लस इसके ऊपर सेस है वो अलग है। इसके बाद आपका NPS भी डिडक्ट किया जाएगा, जो आपकी रिवाइज्ड बेसिक पे और जो रिवाइज्ड डियरनेस अलाउंस होगा उसके हिसाब से जो एडिशनल आपका जो और जो बेसिक और DA का जो कंपोनेंट बढ़ गया है सैलरी में, उसका 10% भी फिर कटेगा और जो बचेगा वो आपको नेट एरियर के तौर पर दिया जाएगा। तो इसलिए नेट एरियर काफ़ी कम आने वाला है, लेकिन लेवी यूनियंस ने तो सीधे सीधे ग्रॉस पे ही मांगी है, हर बार की तरह ऐसे ही मांगते हैं। ये एक तरह की बहुत ही दुख भरी बात है कि बैंकर्स को जो डिले होता है वेस्ट सेटलमेंट में उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट तो नहीं मिलता है, लेकिन उनको लेवी ज़रूर देनी पड़ती है, वो भी टैक्स के ऊपर भी। यानी ग्रॉस एरियर पे लेवी देने का मतलब ये है कि आपने जो टैक्स पे किया है सरकार को, उसके ऊपर भी आपको एक तरह से लेवी देनी पड़ रही है बैंक यूनियंस को। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है लेट पैसा मिलने पर, दो दो तीन तीन चार चार साल बाद आपको एरियर मिल रहा है उस पैसे को, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपने जो टैक्स पे किया उसके ऊपर भी आपको लेवी देनी पड़ेगी अपने बैंक यूनियंस को। तीसरी बात, जो कनेरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का लेटर है 9 अक्टूबर का, ये आप देख भी चुके होंगे, हो सकता है 4-5 दिन पुराना है। इसके अंदर एक बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, बहुत अच्छी भी लगी। इन्होंने पूरा एक तरह से, अब जब से बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो नेगोशिएशन से स्टार्ट हुए हैं, इन्होंने उन सब चीज़ को लिखा है कि पहले 2% पे नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ और अलग अलग मुद्दे थे
किसी मुद्दे को आपने ढंग से टेकअप नहीं किया, 5-day week आपने नहीं ढंग से टेकअप किया, मतलब ये जो लेटर लिखा गया है ये ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन को लिखा गया है, कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने, क्योंकि ये उससे एफिलिएटेड है। तो इन्होंने सारे मुद्दे लिखे हैं कि आपने प्रॉपर वेज जो 5-day week है उसको नहीं लिया है, मर्जर ऑफ स्पेशल अलाउंस को ढंग से नहीं लिया है, और 15% के ऊपर इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है फ्रेंड्स, ये आप सर्कुलर डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अपडेट है नहीं। पेंशन को भी इन्होंने लिया है, इस मुद्दे को लिया है, पेंशन भी अभी तक अपडेट नहीं हो पाई है जबकि गवर्नमेंट ने अपडेट कर दी है। ये पेज नंबर 4 है, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ जो इन्होंने कही है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही है, वैसे ये बात पहले से नोन थी लेकिन पहली बार किसी ने एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन किया है। इन्होंने कहा है कि मार्च 2018 से बैंक 15% का प्रोविजन कर रहा है हर साल अपने बैंक बैलेंस शीट में इस वेज रिवीजन के लिए। तो आपने उस 15% को अगर अचीव कर लिया तो कौन सा आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। मार्च 2018 में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और उसके अंदर प्रोविजनिंग का एक सीधा साधा अकाउंटिंग का नियम है कि जो आपको खर्चा दिख रहा है फ्यूचर में होने वाला है उसको आप उसी साल में जोड़ लीजिए जो भी खर्चा हो। तो 15% से बैंक्स तो अपनी बैलेंस शीट में पहले से ही प्रोविजनिंग कर रहे हैं मार्च 2018 से, यानी तभी क्लियर था कि 15% तो बैंक्स मान के चल रहे हैं भाई इतना पैसा तो देना ही है। तो आप इस 15% को जो आपने 3 साल बाद हासिल किया है उसको इतना बड़ा चढ़ा के एक अपना अचीवमेंट क्यों शो कर रहे हैं, ये तो अपने आप में एक जोक है कि जो 3 साल पहले पता था कि बैंक 15% तक देने को रेडी है तब भी आपने उस 15% तक ही इसको 3 साल लगा क्यों लगा दिए इसको 15% हासिल करने में। IBA जबकि नेगोशिएशन स्टार्ट करता है 2% से, बैंक यूनियन डिमांड करते हैं 20% मीटिंग के अंदर, लेकिन चार्टर ऑफ डिमांड जो भेजते हैं अपने मेंबर्स को उसमें वो लिखते हैं कि हमने 40% का डिमांड किया है। मतलब वहां 40% चार्टर में लिखेंगे, डिमांड करेंगे मीटिंग में 20% और ले दे के वहीं 15% पे जब साइन ही होना है तो ये 3 साल का क्यों आपने गैप लिया, क्यों आपने इतना इंतजार कराया। क्लियर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है लेवी, सबको पता है कि भाई 15% पे ही साइन होना है, 3 साल का जबरदस्ती का, ऊपर से जो 3-4 आपने झूठी झूठी मूठी की जो स्ट्राइक करी है उसमें आपने अलग ही हर बैंकर के कम से कम 15-20 हज़ार रुपए की आपने सैलरी कटवा दी है, तो ये सब ड्रामा क्यों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है 15% का। तो बैंक यूनियन बैंक जो बैंक मैनेजमेंट है पहले से ही 15% मान के चल रहा था कि वेज सेटलमेंट होगा 3 साल पहले से ही, तो इतना टाइम क्यों। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर भी कर लेना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना।